हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मंचूरियन। इसको हम जिस तरह से बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वेज मंचूरियन बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हम आलू, साथ में मिलाएंगे 1/2 कप मटर। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम एक मैशर से अच्छे से मैश करेंगे। देखिए ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, साथ में मिलाएंगे 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। इसी के साथ मैं मिलाऊंगी 2 टीस्पून मैदा, साथ में डालेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्ची हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ में नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। इन सभी को अब हम हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इसका एक अच्छा डो तैयार हो जाना चाहिए। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स को हम छोटे बड़े किसी भी साइज के बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। अगर ये बनाते समय हाथों पे चिपक रहा है तो हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको बना सकते हैं, इससे ये आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए सभी बॉल्स को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब इन मंचूरियन बॉल्स को हम कढ़ाई में डालेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन बॉल्स को डालेंगे। इसको हमें धीरे धीरे और बहुत ही हल्के हाथों से डालना है। एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे हमें उतने ही डालना है। इसको थोड़ा सा नीचे से तलने देंगे, ये थोड़े से तलकर ऊपर आएंगे, उसके बाद टर्न करेंगे। ये नीचे से तल गए हैं, अब इसको हम धीरे धीरे टर्न करेंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको हम तलने देंगे। ये देखिए मंचूरियन बॉल दोनों साइड से बहुत अच्छे से तल गई है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बची हुई मंचूरियन बॉल्स को भी इसी तरह हम तलकर तैयार कर लेंगे। मंचूरियन बॉल्स को तल के मैंने निकाल लिया है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन। ये मैंने 4-5 कली लहसुन की ली है और इसको बारीक बारीक कट किया है। लहसुन को इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा हम भुनेंगे। ये देखिए लहसुन भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी हम इसी तरह लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक भुनेंगे। ये देखिए प्याज और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें मिलाएंगे टमेटो सॉस 1 टीस्पून, साथ में मिलाएंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस हम डालेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ में मिलाऊंगी नमक। नमक आप याद रखें हम पहले भी डाल चुके हैं। थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्ची। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं लूंगी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इस पानी को हम मसाले में मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप पानी। और पानी को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें लास्ट में मैं मिलाऊंगी 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डालकर इसको हमें मिक्स करना है। और अब इसमें लास्ट में मैं मिला रही हूँ 1/2 कप पानी। और ये हम ग्रेवी के लिए डाल रहे हैं। अगर आप ड्राई मंचूरियन चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो इसमें हम पानी मिला सकते हैं। अब इसको हम बॉईल आने के लिए छोड़ेंगे। ये मंचूरियन ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मंचूरियन बॉल्स। ये देखिए सभी बॉल्स को मैंने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये मंचूरियंस को मैंने बॉल में निकाल लिया है। इसको अब हम ऑनियन से गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। ये बॉल्स का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, आप चाहें तो इसको छोटे साइज की भी बना सकते हैं और इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी वेज मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।